सोनभद्र जैसे देश के अनेक जिले हैं जिनको प्रकृति ने अपने खजाने से समृद्ध किया है, लेकिन अनेक वर्षों तक जो सरकार में रहे उन्होंने यहां की खनिज संपदा को मर्जी पड़े उतना लूटा और इन क्षेत्रों के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन भाजपा की एनडीए की सरकार सोनभद्र जिले ऐसे जिलों को जनजातीय समाज को किसी से पीछे नहीं रहने देगी। हमारी सरकार ने सोनभद्र को आकांक्षी जिला अभियान में शामिल किया है। बिजली कनेक्शन हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसी हर सुविधा के लिए सोनभद्र और आसपास के क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड भी हमारी सरकार तेजी से बनवा रही है। मैं सोनभद्र की गरीब जनजातीय समाज की बहनों से एक और बात कहूंगा, आपको पक्का घर देने का मोदी का इरादा भी पक्का है। हमने हजारों घर सोनभद्र में बनाए हैं, जो लोग बाकी बचे हैं उनको भी 10 मार्च के बाद फिर से योगी जी की सरकार बनने के बाद तेजी से पक्के घर बनाने का काम आगे बढ़ा करके एक एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पक्का घर यानी सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। जब हम पक्का घर की बात करते हैं तो हमारी कल्पना साफ है, घर वो जिसमें नल से जल पहुंचे। नल से जल का अभियान भी हम तेज गति से चला रहे हैं। सिर्फ इन दोनों योजनाओं के लिए इस वर्ष मोदी ने बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1 लाख करोड़ रुपए मेरे गरीबों के घर में उनका पक्का घर बने और उनके घर में नल से जल पहुंचे, ये काम मैंने करना तय किया है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये ध्यान रखिएगा, अगर ये गौर परिवारवादियों का इतिहास आप जानते हैं, चुनाव में वो यही खोजते रहते हैं कि अगर सरकार में जाने का मौका मिले तो कहां कहां खजाना है उसी पर उनके डोरे रहते हैं, उसी पर उनकी नजर रहती है। ये भ्रष्टाचारी अगर मजबूत हुए तो आपके लिए भेजा गया सारा पैसा पहले की तरह ही खा जाएंगे।